of mathematics. Algebra, it is a branch of mathematics which help to represent a problem or a situation in the form of mathematical operation. किसी भी problem या किसी भी situation को हम mathematical operation से show करते हैं तो वो हमारे algebra के अंदर आता है. B for binomial. Binom means two. कोई भी दो numbers या दो digit या दो variables का यदि हम plus या minus करें तो दो चीज़ों से मिलकर जो चीज़ बनी हुई होती है वो होती है binomial. C for complex. नाम से ही समझ में आ रहा है कॉम्प्लेक्स. मैथमेटिक्स में काफ़ी सारे नंबर सिस्टम होते हैं. सबसे छोटा जो नंबर सिस्टम होता है वो होता है नेचुरल नंबर का, जो कि वन से शुरू होकर इन्फिनिटी तक जाता है. उसी तरह मैथमेटिक्स में आज तक का सबसे बड़ा जो नंबर सिस्टम है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर. वैसे तो कॉम्प्लेक्स नंबर भी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जाते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर का कॉम्बिनेशन होता है. सपोज हमारे सामने कोई नंबर है 1, 2, 3, 4. यदि हम 1 के बाद एक नंबर देखते हैं तो 1.1 भी आता है, 1.0001 भी आता है, लेकिन इन नंबर से भी बड़ा एक नंबर होता है जिसमें रियल और इमेजिनरी नंबर का कॉम्बिनेशन होता है. इमेजिनरी नंबर को हम शो करते हैं आई से. सपोज कोई नंबर है 2+i या 4+i, तो ये वाले जो हमारे नंबर होते हैं ये हमारे होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि आज तक का मैथमेटिक्स का सबसे बड़ा नंबर्स का सेट होता है. ए से आप एवरेज ले सकते हैं या एडिशन ले सकते हैं. एवरेज में क्या होगा, अगर आपको एवरेज निकालना हो, जैसे 1 to 9 का अपन को एवरेज निकालना है ना, तो इसके लिए फार्मूला भी होता है, या फिर आप उसका एक सेंटर नंबर 1 to 9 का आप ले सकते हैं. जैसे 1 to 9 का एवरेज कितना होगा, 5, है ना. 1 to 9 का सेंटर नंबर क्या है, 5, ठीक है. बी फॉर ब्रैकेट, नंबर्स के पेयर को अलग से दिखाना, इट्स मीन्स ब्रैकेट में शो करना. सी है सर्कल. सर्कल में आप किसी भी पॉइंट से एक समान दूरी लेकर वो सर्कल, ठीक. डी फॉर डिवाइड, किन्हीं भी नंबर्स को बांटना, मतलब कोई भी चीज़ अगर आपके पास है उसे किन्हीं लोगों में बांटना है. मान लीजिए कि 10 फ्रूट हैं, 5 लोगों में बांटना है तो कितने कितने मिलेंगे, ठीक, वो डिवाइड. फिर है इवन नंबर. इवन नंबर इज 2, 4, 6, 8 एंड 0, मतलब कि जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाए वो इवन नंबर.